रन है रे घंटी लाल ठिठुरन। नाक बंद कान बंद। अरे न जाओ जाड़क बच्चा काट लेगा। प्यासिया जाके जरा हल्दी का दूध लाना, वो भी गर्मा गर्म। हाँ अच्छा दादी जी जाड़े में ना हल्दी का दूध बहुत अच्छा होता है, नाक भी खुल जाएगी, तबीयत ना तुरंत ही ठीक हो जाएगी। ससुर जी हम आपके लिए नया वाला कंबल रखे थे आपके कमरे में, देखे कि नहीं? ना बेटा अब हम उधर गए नहीं, चलो कोनो बात ना, हम जाएंगे तो देख लेंगे। हाँ ठीक है ससुर जी। ये घर में किसी को भी नहीं पता कि समर को हमने डराया और धमकाया, तो फिर दिक्क्या को कैसे पता चला? कहीं कहीं समर ने तो कैसे पूछे समर से? दादी जी ओ हमारा छुटकी ठाकुर कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहाँ है, हम कब से खोज रहे हैं? अरे वो तो प्रतिज्ञा के कमरा में सोए रहा होई। अब ये लो हमारे छुटके ठाकुर हर वक्त प्रतिज्ञा के साथ ही रहते हैं, तो फिर हमारे साथ कैसे वक्त बिताएंगे? समर ए बेटा ठाकुर समर प्रताप सिंह अब अरे बाबा हमारे छुटके ही ठाकुर आ गया, अरे कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, आओ जरा हमारे पास। अरे आओ हमारे पास। अजय बेटा हमारे पास आओ ना। ये बताओ यार सब गरम और हम पहने हो ना? जब बच्चा के पास पहले से ही महतारी है तो फिर उसका महतारी की जरूरत कैसे पड़ेगी? अब हमरा ही घर में आने की क्या जरूरत, ये तो हमेशा ही प्रतिज्ञा के साथ रहता है। दीदी बच्चे उन्हीं के पास जाना पसंद करते हैं जो बच्चों से प्यार करते हैं। ये तो बिल्कुल सही कह रही हो प्रतिज्ञा। ये बेटा ये बताओ तुम अपनी जो चाची अम्मा के साथ अगर थे तो क्या कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे कि सो रहे थे, क्या कर रहे थे बताओ? अम्मा के साथ कार्टून देख रहे थे। क्या देख रहा था मैं? कार्टून। अबे ससुर कार्टून हो गए हो, कार्टून देख देख के तुम्हारा कमरा में नहीं काटी भी साला, जब देखो तब वहां जाएगी कार्टून देखी। यही चीज प्यार से नहीं बोली जाती। अरे काहे बच्चा को डांट रहे हो, जाने दो ना, ये तो बच्चा है छोटा सा। अच्छा ससुर जी हम ना सोच रहे थे कि हम छुटके ठाकुर को अपने साथ कहीं बाहर घुमाने ले जाए, इका मन भी बहल जाएगा और अच्छा भी लगेगा। बाहर घूमे जाबो, जाने का मन है बाहर? बाबूजी हम ये सोच रहे थे कि इस वक्त समर को बाहर जाने की क्या जरूरत है, इसके पास ढेर सारे कपड़े हैं और खिलौने भी, और इसके जन्मदिन पर भी तो इतने सारे कपड़े मिले थे, तो फिर अभी से बाहर जाना। जादर ने कहा बाद में, बाद में। ठीक है ससुर जी। वाह यार बाबूजी बहुत अच्छे, ये मस्त नहीं ना, तुम कभी पढ़ाया दीस और आएगे तुम भी एक रजास्ते में। साला ये तो हमेशा चाहती ही है कैसे मेरी बीबी को ना नीचे दिखाया जाए, बस अगर मेहनता चाहती है कि समरा को बाहर लेकर जाए घुमाए के खातिर, तो अब दुनिया भर की ठंड दिख रही है, नाचो साला एक रे सारे पे हमारा का है, जब देखो तब प्रतिज्ञा पुरान बात से ये साला प्रतिज्ञा गाता हो रही है, वकालत करती रहती है।